गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल है सबके? तो इंडियस 110 हम लोगों का फिनिश हो चुका है। आज एक और इंडियस के साथ हम लोग हैं और आज का इंडियस है इंडियस 28। तो हेडिंग डालेंगे इंडियस 28। बात करना बंद करें सब। इंडियस 28 बात करना बंद करेंगे, ठीक है? इंडियस 28, इसका नाम है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स एंड ज्वाइंट वेंचर्स, ये है हमारा इंडियस 28। ये भी कंसोलिडेशन के ऊपर ही है। हम लोगों ने पढ़ा इंडियस 110, उसमें कुछ टर्म्स मैंने आपको सिखाए थे अगर ध्यान हो, जैसे सब्सिडरी का मतलब बताया था, उसी में मैंने एसोसिएट का मतलब भी बताया था। इंडियस 27 में भी मैंने आपको एसोसिएट का मतलब बताया था और एक ज्वाइंट वेंचर का भी मतलब मैंने आपको बताया था, ठीक है? ध्यान होगा आपको। फिर भी आइए जरा थोड़ा थोड़ा हम एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद में लिखना शुरू करेंगे इस इंडियस के बारे में। पहले शुरू के थोड़े 5 मिनट मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाना चाहता हूं। बेटा एक पेरेंट है, पेरेंट का मतलब होल्डिंग कंपनी, इसकी क्या हो सकती है सब्सिडरी? सब्सिडरी एसोसिएट हो सकता है और ज्वाइंट वेंचर हो सकता है, ठीक है? यानी तीनों हो सकते हैं और हो सकता है एक इन्वेस्टर का एसोसिएट हो और ज्वाइंट वेंचर ही हो, सब्सिडरी हो ही ना। सब्सिडरी का मतलब क्या होता है? जब एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के ऊपर यूनिलेटरल कंट्रोल होता है, यूनिलेटरल मतलब सिंगल, एक ही एंटिटी कंट्रोल कर रही है, ठीक है? वही अपने आप डिसीजन ले सकती है। एक ही एंटिटी का जब कंट्रोल होता है तो कंट्रोल होने वाली एंटिटी क्या होती है? सब्सिडरी होती है, ठीक है? कंट्रोल कैसे आता है उसमें आपको कंट्रोल की मैंने पूरी डेफिनेशन आपको इंडियस 110 में हमने डिटेल में पढ़ी थी। आपको पता है कि तीन बातें आपको बताई गई थी कि पावर ओवर द इन्वेस्टी, ठीक है, एक्सपोजर और राइट टू वेरिएबल रिटर्न विद इट्स इन्वॉल्वमेंट विद द इन्वेस्टी, और तीसरी बात क्या थी? एबिलिटी टू अफेक्ट दोज रिटर्न। पावर कैसे आती है? एक तो सिंपल हमने पढ़ा था कि भाई पावर आ जाती है सिर्फ मोर देन 50% आप वोटिंग पावर अगर खरीद लीजिए तो मानते हैं हम कि पावर आ गई है आपके पास कंट्रोल करने, ठीक है? और बहुत सारी चीजें आपने कंट्रोल में सीखी थी इंडियस 110 में, अब उसकी तो बात हम करेंगे नहीं यहां पर। मैं बस ये बताना चाहता हूं कि अगर एक एंटिटी किसी दूसरी एंटिटी को यूनिलेटरली कंट्रोल करती है तो फिर वहां पर होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशनशिप होता है। उसके बाद एक एसोसिएट होता है। जब एक एंटिटी किसी दूसरी एंटिटी में अपना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखती है, यानी यहां पर तो कंट्रोल होता है, कंट्रोल यूनिलेटरल कंट्रोल होता है, यहां पर होता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब हमारा कंट्रोल नहीं है बट वी हैव ए राइट टू पार्टिसिपेट इन ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ इन्वेस्टी।
इन्वेस्टी की ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल पॉलिसी में पार्टिसिपेशन का राइट हमारे पास होता है, ठीक है, हम उसके बोर्ड के मेंबर होते हैं या किसी और तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट से हम कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखते हैं, कुछ ना कुछ रीजन होता है। नॉर्मली सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कब माना जाता है कि जब हम 20% या उससे ज्यादा शेयर किसी एंटिटी की खरीद लेते हैं, वोटिंग पावर खरीद लेते हैं, तो हम कहते हैं उस एंटिटी में हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। एक तो हमने ये सीखा था, ठीक है। तीसरी ज्वाइंट वेंचर। अच्छा, ज्वाइंट वेंचर में भी आप डिटेल तो पढ़ोगे, इसके आगे एक और इंडियस आएगा, इंडियस 111, इंडियस 111, उसमें आप ज्वाइंट वेंचर के बारे में, ज्वाइंट कंट्रोल के बारे में, ज्वाइंट अरेंजमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ोगे। लेकिन अभी आप समझ लीजिए, जब एक एंटिटी का किसी दूसरी एंटिटी के ऊपर यूनिलेटरल कंट्रोल नहीं होता, कंट्रोल ज्वाइंटली होता है, यानी दो या दो से ज्यादा पार्टी जब किसी एंटिटी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को, उसकी रेलिवेंट एक्टिविटीज के डायरेक्शन को कंट्रोल करती हैं, तो उसको हम बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर, ठीक है। जैसे एक एंटिटी है सी लिमिटेड, अब इस सी लिमिटेड को ए भी कंट्रोल करता है, बी भी कंट्रोल करता है। अब ये ए और बी कैसे कंट्रोल करेंगे, वो कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट से डिसाइड होता है कि ए और बी कैसे कंट्रोल करते हैं। मान लीजिए इन दोनों ने 50-50% शेयर खरीद रखे हैं, तो जब 50-50% शेयर खरीद रखे हैं तो ना तो अकेला ए डिसीजन ले सकता ना अकेला बी डिसीजन ले सकता, तो यहां पर दोनों का कंट्रोल है, दैट इज कॉल्ड ज्वाइंट कंट्रोल। ज्वाइंट कंट्रोल का मतलब होता है जब एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी को डिसीजन लेने से रोक दे, तो इसका मतलब यहां पर यूनिलेटरल कंट्रोल नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं एक पार्टी हूं, अगर मैं कोई डिसीजन लेना चाहता हूं लेकिन दूसरी पार्टी की बिना मर्जी के यूनानिमसली दोनों पार्टी डिसाइड करे किसी भी मैटर को, तभी जाकर कंट्रोल होता है। तो अगर मान लीजिए मैं डिसीजन लेना चाहता हूं लेकिन मुझे डिसीजन लेने से कोई दूसरी पार्टी अगर रोक सकती है, तो यहां पर मेरा यूनिलेटरल कंट्रोल नहीं है, फिर उस पार्टी के साथ में मिलकर ज्वाइंट कंट्रोल है, ठीक है। तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे इंडियस 111 में। तो तीन एंटिटी आपके सामने हैं, सब्सिडरी जहां यूनिलेटरल कंट्रोल होता है, एसोसिएट यहां कंट्रोल नहीं होता सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, और एक ज्वाइंट वेंचर, यहां पर कंट्रोल होता है बट ज्वाइंट कंट्रोल होता है, यूनिलेटरल कंट्रोल नहीं होता, यानी सिंगली हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं उस एंटिटी, ठीक। अब आपने इंडियस 110 में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा, जहां इंडियस 110 लगता है। तो अगर किसी पेरेंट की सिर्फ सब्सिडरी है और सब्सिडरी के साथ में वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, तो इंडियस कौन सा लगेगा, 110। अगर एसोसिएट है सिर्फ और एसोसिएट के साथ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है, तो इंडियस 28 लगता है, ठीक है। अच्छा, अगर ज्वाइंट वेंचर है तो ज्वाइंट वेंचर में भी इंडियस 28 लगेगा। ज्वाइंट वेंचर क्या है ये आपको इंडियस 111 बताएगा। जब एक बार डिसाइड हो जाता है कि ये ज्वाइंट वेंचर है, तो उसमें इंडियस 28 के हिसाब से अकाउंटिंग होती है। तो सर इंडियस 111 क्या है, बेटा इंडियस 111 का नाम है ज्वाइंट अरेंजमेंट। ज्वाइंट अरेंजमेंट में दो चीजें होती हैं, एक ज्वाइंट ऑपरेशन और एक ज्वाइंट वेंचर। तो जो ज्वाइंट वेंचर है, ज्वाइंट वेंचर में इंडियस 111 कहता है कि उसमें इक्विटी मेथड लगता है उसकी अकाउंटिंग करने में, और इक्विटी मेथड स्पेसिफाई किया गया है इंडियस 28। तो इसलिए जो इंडियस 28 है उसका नाम है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एंड ज्वाइंट वेंचर। तो अगर किसी एंटिटी के इन्वेस्टमेंट एसोसिएट में है, ज्वाइंट वेंचर्स में है, तो उसमें उन इन्वेस्टमेंट की जब हम अकाउंटिंग करेंगे, तो अकाउंटिंग करेंगे बाई यूजिंग इक्विटी मेथड, By using equity method, which is specified in Ind AS 28, ठीक है। Joint operation की accounting कौन बताएगा, Ind AS 111। अब joint operation क्या है, वो Ind AS 111 में जाकर सीखोगे, अभी मैं यहां पर नहीं बताऊंगा। अभी मैं यहां पर joint venture भी नहीं बताऊंगा, joint control में भी कई चीजें हैं, आपको देखना पड़ेगा joint control है या नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पर
हम ये सब चीजें डिस्कस नहीं करेंगे। इंडियस 28 में एक तो हम एसोसिएट डिस्कस करेंगे, ठीक है, और दूसरी बात हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं इक्विटी मेथड। जो इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग होती है बाय यूजिंग इक्विटी मेथड, तो वो इक्विटी मेथड क्या है, एक हम ये डिस्कस करने वाले हैं इंडियस 28 में, ठीक है। अब देखिए इंडिया में जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो क्या है। अगर मान लीजिए एक एंटिटी की सब्सिडरी है तो सब्सिडरी के साथ में तो वो सीएफएस बनाई गई बाय यूजिंग इंडियस 110। अगर सब्सिडरी नहीं भी है, सिर्फ एसोसिएट है या सिर्फ ज्वाइंट वेंचर है, तब भी सीएफएस बनाना पड़ेगा, तब भी सीएफएस बनाना पड़ेगा बाय यूजिंग इक्विटी मेथड, बाय यूजिंग इक्विटी मेथड। मतलब आपके पास सब्सिडरी हो, आपके पास एसोसिएट हो, आपके पास ज्वाइंट वेंचर हो, इन तीनों में से कुछ भी होगा, तीनों हैं तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन इनमें से एक भी है तब भी आपको सीएफएस बनाना पड़ेगा। अगर सब्सिडरी है तो इंडियस 110 लगाकर, एसोसिएट है तो इंडियस 28 लगाकर, ज्वाइंट वेंचर है तो इंडियस 28 लगाकर, ठीक है, और इंडियस 111 भी है, उसकी भी बात होगी बाद में जाकर। सर अगर ये तीनों हैं तो बेटा इंडियस 110 भी लगेगा, इंडियस 28 भी लगेगा, ठीक है, और अगर ज्वाइंट ऑपरेशन भी है तो इंडियस 111 भी लगेगा, ठीक। तो ये तो लीगल रिक्वायरमेंट है। तो इंडियस 28 में हम बस ये सीखेंगे, पहले तो एसोसिएट का मतलब सीखेंगे, और दूसरा बेटा हम लोग यहां पर सीखने वाले हैं इक्विटी मेथड, जो मेन है वो इक्विटी मेथड सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, आइए पहला पॉइंट यहां पर लिखेंगे जल्दी से फटाफट। शुरू करें, देखो पॉइंट नंबर 1 ये क्या है, लिखिए दिस इंडियस 28 इज अप्लाइड व्हेन एन एंटिटी हैज इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट्स एंड ज्वाइंट वेंचर्स। एंड ज्वाइंट वेंचर मतलब ये इंडियस कब लगेगा, जब एक एंटिटी के पास इन्वेस्टमेंट है किस किस में, या तो एसोसिएट्स में या फिर ज्वाइंट वेंचर में, तब ये इंडियस 28 आपको अप्लाई करना है। अच्छा नंबर 2, दिस इंडियस ट्वेंटी एट ऑल्सो स्पेसिफाई इक्विटी मेथड फॉर अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स एंड ज्वाइंट वेंचर्स, ठीक है, इन एसोसिएट्स एंड ज्वाइंट वेंचर। यानी एक तो ये एएस कब लगेगा, यानी ये इंडियस कब लगेगा, जब आपके पास इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स है या इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर है या दोनों है, तब ये इंडियस लगेगा। सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे कोई एसोसिएट नहीं है, हमारा कोई ज्वाइंट वेंचर नहीं है, तो ये इंडियस नहीं लगेगा, जी नहीं। अगर सब्सिडरी है बस आपका तो इंडियस 110 लगेगा, फिर ये इंडियस नहीं लगेगा, ठीक है। और ये इंडियस जब भी लगेगा तो क्यों लगेगा, ये स्पेसिफाई करेगा इक्विटी मेथड। और इक्विटी मेथड क्या है, एक तरीका है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग कैसे करना है इन एसोसिएट
एंड इन ज्वाइंट वेंचर्स इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपने इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग कैसे करनी है ये आपको बताएगा इंड एस 28। चलिए, अच्छा तीसरे पॉइंट में लिखेंगे जरा, तीसरे पॉइंट में लिखेंगे मीनिंग ऑफ एसोसिएट्स। एसोसिएट, एसोसिएट का मतलब क्या होता है बेटा? ठीक है, आपको पता है एसोसिएट का मतलब क्या होता है? क्या होता है एक बार आप बताइए। लिखेंगे एन एंटिटी इन विच एन इन्वेस्टर एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस देन सच एंटिटी इज कॉल्ड एसोसिएट्स फॉर इन्वेस्टर, फॉर इन्वेस्टर। अगर एक एंटिटी में अगर किसी इन्वेस्टर ने सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखा है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता है, यानी अगर एक इन्वेस्टर किसी एंटिटी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता है तो उस एंटिटी को जिसमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया जाता है वो एंटिटी कहलाती है एसोसिएट, और जो इन्वेस्टर है वो तो इन्वेस्टर ही कहलाएगा। ठीक है, तो इन्वेस्टर के लिए वो एंटिटी एसोसिएट कहलाती है। अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, आइए आगे लिखेंगे। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मींस पावर टू पार्टिसिपेट इन फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज ऑफ इन्वेस्टी। अगर इन्वेस्टी की फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसी में आपको पार्टिसिपेशन का राइट है, इट मींस यू आर एक्सरसाइजिंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन दैट एंटिटी। ठीक है, अच्छा ऑपरेटिंग पॉलिसी में पार्टिसिपेशन का राइट भी होना चाहिए, ये तो है ही, बट साथ के साथ यू मस्ट बी एबल टू एक्सरसाइज दैट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, तभी वो आपका एसोसिएट होगा। यानी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, आप एक्सरसाइज करने में एबल होना चाहिए। अब एक बात बताइए, अगर मान लीजिए मैं एक एंटिटी हूं, मैंने एक एंटिटी के 20% शेयर खरीद रखे हैं, अब मेरे पास एक राइट है कि मैं उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपना एक डायरेक्टर डाल सकता हूं, तो इसका मतलब ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल पॉलिसी में मेरा रिप्रेजेंटेशन तो है, क्योंकि वहां पर जो भी डिसीजन होगा मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूं, मैं वोट डाल सकता हूं। लेकिन ना तो मेरी बात सुनी जाती है ना ही कोई मेरी बात पर ध्यान देता है, जो बाकी डायरेक्टर हैं वो अपने आप डिसीजन ले लेते हैं, मैं अगर कोई बात कहता हूं तो इग्नोर कर देते हैं। इन दैट केस मेरे पास पार्टिसिपेशन का राइट तो है, मैं पार्टिसिपेट तो कर रहा हूं, बट आई एम नॉट एबल टू एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो एबिलिटी भी होनी चाहिए टू एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो मैंने क्या बोला, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मींस पावर टू पार्टिसिपेट इन फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी ऑफ इन्वेस्टी, एंड एक चीज और लिख दीजिए, एबिलिटी टू एक्सरसाइज
दैट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, एबिलिटी टू इन एक्सरसाइज दैट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, मतलब आपकी एबिलिटी भी होनी चाहिए कि आप सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर भी पा रहे हो या नहीं। देखिए आप करते हो या नहीं करते वो अलग बात है, बट यू मस्ट बी एबल टू एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, ठीक है ना। तो इंटिटी, अगर एक इंटिटी किसी इन्वेस्टर के ऊपर, किसी इन्वेस्टी के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर सकती है, देन दैट इंटिटी इज एन एसोसिएट फॉर दैट इन्वेस्टर, ठीक है। अब ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आता कैसे है? नॉर्मल सिचुएशन में तो आ जाता है 20% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर आपने खरीद लिया, तो हम ये मानते हैं, यानी इट इज प्रिज्यूम्ड दैट इन्वेस्टर हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन दैट एंटिटी, अनलेस इट इज क्लियरली डेमोंस्ट्रेटेड दैट इट इज नॉट द केस। AS 28 कहता है नॉर्मल सिचुएशन तो ये है कि अगर आपने किसी एंटिटी के 20% या उससे ज्यादा शेयर खरीद लिए, इट मींस यू आर एबल टू एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, अनलेस इट इज क्लियरली डेमोंस्ट्रेटेड That it is not the case, यानी या तो फिर बिल्कुल साफ साफ दिखे भाई 20% खरीदने के बाद भी you are not able to exercise significant influence, अगर ये सिद्ध होता है तब हम मानेंगे कि significant influence नहीं है। लेकिन अगर आपका किसी entity में 20% या उससे ज्यादा voting power है, तो हम ये मानते हैं कि आपका significant influence है। इसी तरीके से अगर आपका किसी एंटिटी में 20% से कम वोटिंग पावर है, तो हम जनरली ये मानते हैं कि आपका कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, अनलेस इट इज क्लियरली डेमोंस्ट्रेटेड दैट इट इज नॉट द केस, यानी अगर ये डेमोंस्ट्रेट होता है, ये दिखाया जाता है कि नहीं 20% खरीदने के बाद भी आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो आपको शो करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा, क्लियरली दिखाना पड़ेगा, डेमोंस्ट्रेट करना पड़ेगा उसको, तब माना जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 20% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर है, तो फिर आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर किसी को अगर यह बताना है कि आपका नहीं है, तो उसको शो करना पड़ेगा नहीं आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं। समझ में आएगा, ठीक। तो हाउ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, यहां पर लिखेंगे पॉइंट नंबर फोर में लिखेंगे, इन नॉर्मल सिचुएशन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस acquired in an entity if investor has 20% or more voting power of that entity, unless it is clearly demonstrated that it is not the case. ठीक है, यानी नॉर्मल सिचुएशन में जनरली ये माना जाता है कि आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है,
अगर आपने 20% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर एक्वायर कर रखी है किसी एंटिटी की। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बेटा मैं यहां पर एक एग्जाम्पल लिखता हूं, यहां पर एग्जाम्पल लिखता हूं, ए लिमिटेड होल्ड 25% वोटिंग पावर या 25% इक्विटी शेयर लिख देता हूं बेटा, वही वोटिंग पावर होती है ऑफ बी लिमिटेड। हेयर इट विल बी प्रिज्यूम्ड ठीक है प्रिज्यूम्ड दैट ए लिमिटेड हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन बी लिमिटेड अनलेस इट इज डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट इज नॉट द केस, इट इज नॉट द केस। ठीक है जी, इट इज नॉट द केस। बोलो बेटा, ठीक है, यानी प्रिज्यूम्ड किया जाता है अगर 20% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर है आपकी, तो हम ये मानकर चलते हैं कि आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, जब तक ये प्रूव ना हो जाए कि नहीं है। लेकिन अगर 20% या उससे कम वोटिंग पावर है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि नहीं है, जब तक प्रूव ना हो जाए कि हाँ है। बात समझ रहे हो ना, यानी 20% को क्रॉस करेगा या 20% या उससे ज्यादा रहेगा तो हम मानकर चलेंगे कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, 20% से कम रहेगा तो मानकर चलेंगे कि नहीं है, अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। ठीक, अच्छा एक चीज और, यहां पर एक नोट लिखेंगे, नोट लिखेंगे, इन सम केसेस, इन सम केसेस इट मे बी पॉसिबल दैट इन्वेस्टर एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इवन इफ इट डज नॉट होल्ड 20% और मोर वोटिंग पावर इन अदर एंटिटी। यानी कुछ ऐसी सिचुएशन भी होती हैं बेटे, जहां पर कुछ ऐसी सिचुएशन भी होती हैं जहां पर आपके पास 20% नहीं है, आपके पास 10% शेयर हैं, आपके पास 15% शेयर हैं, आपके पास 18% शेयर हैं, आपके पास 19% शेयर हैं, तब भी आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है उस एंटिटी में। ऐसा हो सकता है, किन केसेस में हो सकता है आइए बात करते हैं। देखिए, इन फॉलोइंग केसेस देयर मे बी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इवन इफ इन्वेस्टर
डज नॉट होल्ड 20% और मोर, जी हाँ हाँ हो सकता है। इन्होंने क्या पूछा, ये पूछ रहे हैं सर कि अगर 20% या उससे ज्यादा शेयर हैं तो ये भी पॉसिबल है कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ना हो। बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैंने क्या लिखा कि एन एंटिटी अगर उस एक इन्वेस्टर के किसी एंटिटी में 20% या उससे ज्यादा शेयर हैं तो ये प्रिज्यूम किया जाता है कि आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। अगर आप कुछ और प्रूव कर दो तो नहीं। जैसे मैंने कहा कि एबिलिटी टू एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी होना चाहिए, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को एक्सरसाइज करने की एबिलिटी भी होनी चाहिए आपके पास, मतलब आप कर पा रहे हो यह भी तो होना चाहिए। अब आप 25% शेयर लेकर बैठे हुए हो लेकिन आपकी कोई सुनता नहीं है, आपके बिना सारे डिसीजन हो जाते हैं, आप कोई बात बोलते हो ठीक है तो मतलब इग्नोर कर दी जाती है, तो फिर कहां सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। यानी पावर टू पार्टिसिपेशन का मतलब यह नहीं है कि अगर आपने पार्टिसिपेट कर दिया तो आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा ही होगा। दिस विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट एंड सर्कमस्टांसिस इन ईच केस, केस टू केस बेसिस पर डिपेंड करेगा। जनरली हम ये मानते हैं कि 20% या उससे ज्यादा शेयर है तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, ठीक है। लेकिन अगर आपका कोई बात सुनता ही नहीं है, आपके बिना डिसीजन लिए जाते हैं, आपकी बात को इग्नोर कर दिया जाता है, तो फिर कहां सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। आपको मैं एग्जांपल दिखाऊंगा ऐसा, ठीक है, और इस पर नोट भी लिखवा दूंगा। चलिए लिख लीजिए, जल्दी फटाफट लिख लीजिए, ठीक। तो किन किन सिचुएशन में हो सकता है, देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एंड अदर गवर्निंग बॉडी, ऑफ एंटिटी, ठीक है, अभी इसकी बात करेंगे। नंबर टू होगा, नंबर टू होगा पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, पॉलिसी मेकिंग डिसीजन, ठीक है, प्रोसेस इंक्लूडिंग पार्टिसिपेशन फॉर डिसीजन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड एंड अदर डिस्ट्रीब्यूशन, एंड अदर डिस्ट्रीब्यूशन, लिख लीजिए। तीसरा लिखेंगे, नंबर तीन, लिख लो भाई, जल्दी लिख लो। तीसरे पॉइंट में लिखेंगे मटेरियल ट्रांजैक्शन बिटवीन एन एंटिटी एंड इट्स इन्वेस्टी,
एंड इट्स इन्वेस्टी ठीक है। उसके बाद है इंटरचेंज ऑफ मैनेजरियल पर्सनल, अभी सब मतलब समझाऊंगा मैं। इंटरचेंज ऑफ मैनेजरियल पर्सन, अच्छा नंबर पांच, नंबर पांच में आएगा बेटा प्रोविजन फॉर एसेंशियल टेक्निकल इंफॉर्मेशन। टेक्निकल इंफॉर्मेशन ठीक है, ये सिचुएशन भी हो सकती है। ये क्या है, मैं एक एक करके इनको आपको एग्जांपल के थ्रू इनको समझाऊंगा। यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा है तो भले ही आप 25-20% से कम शेयर है आपके पास, लेकिन आपकी बात सुनी जाती है, आप सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर सकते हो, आप अपनी बात को एजेंडे पर लेकर आते हो, लोग सुनते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं आपकी बात से, देन देयर मे बी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इवन इफ यू होल्ड लेस देन 20%। उसके बाद देखिए, अगर किसी कंपनी में डिविडेंड कैसे बटेगा, अदर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होंगे, इसका डिसीजन आप लेते हो या आप सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करते हो, देन यू आर एक्सरसाइजिंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इवन इफ यू होल्ड लेस देन 20%। इसी तरीके से मटेरियल ट्रांजेक्शन, मतलब जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टी पूरी तरीके से उसके ऊपर डिपेंड है कुछ ट्रांजेक्शन को लेकर। हम कोई ऐसी मटेरियल सप्लाई करते हैं उसको, हम कोई ऐसा गुड्स बेचते हैं उसको जो पूरी तरीके से वो हमारे ऊपर डिपेंड है, तो इसका मतलब हम उसको जरूर सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करते होंगे। तो अगर 10-20% से कम शेयर भी है फिर भी हम उसको सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसके अलावा मैनेजरियल पर्सन में चेंज हो जाना, यानी एक का मैनेजर दूसरे में जाकर काम कर सकता है, एक का डायरेक्टर दूसरे में कर सकता है, तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो सकता है। और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन का अगर आदान प्रदान हो, अगर इन्वेस्टर के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड है इन्वेस्टी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को लेकर, तो इन्वेस्टर कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करता होगा इवन इफ 20% या उससे कम शेयर खरीद रखे। ठीक है, मैं आपको जाइए जरा इसको एग्जांपल लेकर चलता हूं, आपको दिखाता हूं। देखो बेटा, ये कुछ मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। आपका सवाल देखिए, पहला जो ए पॉइंट है वो आप ही का सवाल है जो आपने पूछा था, वही सवाल है। देखो, एन एंटरप्राइज मे नॉट बी एसोसिएट इवन इफ इन्वेस्टर होल्ड 20% और मोर शेयर इन इट। यही पूछा था आपने कि 20% से ज्यादा शेयर हो और फिर भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ना हो, क्या ऐसा हो सकता है? मैंने कहा हो सकता है, मतलब यू मस्ट बी एबल टू एक्सरसाइज योर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। ठीक है, मतलब पार्टिसिपेशन से ही सिर्फ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं आता, आप जाकर उनको इन्फ्लुएंस कर भी सको। ठीक है, कर भी सको तभी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा, यानी अपनी बात मनवाने की आपके अंदर काबिलियत भी होनी चाहिए। देखिए, एक्स लिमिटेड ओन 20% ऑफ द वोटिंग पावर इन वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड के पास वाई लिमिटेड का 20% शेयर है, तो नॉर्मली देखकर तो हमको क्या लग रहा है कि भाई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है एक्स लिमिटेड का वाई लिमिटेड में। ठीक है, एंड इज इंटाइटल टू अपॉइंट वन डायरेक्टर टू द बोर्ड। एक्स लिमिटेड के पास राइट है कि वाई लिमिटेड में वो अपना एक डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। अच्छा, विच कंसिस्ट ऑफ 5 members। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 5 member हैं, यानी 5 directors हैं, इसमें से एक डायरेक्टर कौन अपॉइंट कर सकता है? एक्स लिमिटेड। ठीक, द रिमेनिंग 80%, यानी बाकी 4 directors जो हुए, ऑफ द वोटिंग पावर आर हेल्ड बाई 2 entities। मतलब 20% तो शेयर आपने खरीद रखे हैं, 80% कोई 2 और entity ने खरीद रखे हैं, ईच ऑफ विच इज इंटाइटल टू अपॉइंट 2 directors। अच्छा,
देखो मान लीजिए अगर वो अदर एंटिटी पी और क्यू है एग्जाम्पल के तौर पर, तो एक डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेगा? एक्स। दो डायरेक्टर कौन अपॉइंट करता है? पी। और दो डायरेक्टर कौन अपॉइंट करता है? क्यू। एक डायरेक्टर अपॉइंट करेगा एक्स, दो डायरेक्टर पी और दो डायरेक्टर क्यू, जो अदर दो एंटिटी हैं अगर मैं उनके नाम पी और क्यू मान लूं। ठीक है, एक कोरम ऑफ फोर डायरेक्टर एंड मेजोरिटी ऑफ दोज प्रेजेंट आर रिक्वायर्ड टू मेक डिसीजन। कहते हैं कोई भी डिसीजन लेने के लिए कोरम जो होगी वो चार डायरेक्टर की होगी। कोरम मतलब जो मिनिमम मेंबर मस्ट बी प्रेजेंट इन ए मीटिंग, उसको कोरम बोलते हैं। तो कम से कम चार लोग किसी भी मीटिंग में होने चाहिए, तभी मीटिंग आगे बढ़ेगी। अगर मान लीजिए किसी मीटिंग में तीन रह जाते हैं तो फिर कोरम नहीं है। कोरम नहीं है तो मीटिंग को एडजोर्न करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा, आप उसमें डिसीजन कोई नहीं ले सकते। तो कहते हैं मिनिमम चार डायरेक्टर की कोरम होगी और उसमें से जो मेजोरिटी होगा वो डिसीजन ले लेंगे। तो अगर चार डायरेक्टर होंगे तो उसमें से तीन लोग जिस तरफ होंगे तो समझ लीजिए क्या हो गया, डिसीजन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, द अदर शेयर होल्डर फ्रिक्वेंटली कॉल्ड बोर्ड मीटिंग एट द शॉर्ट नोटिस एंड मेक डिसीजन इन द एब्सेंस ऑफ एक्स लिमिटेड रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, जो बाकी शेयर होल्डर हैं मतलब पी और क्यू की अगर बात हो रही है, एक्स को छोड़कर पी और क्यू, वो कभी भी शॉर्ट नोटिस पर मीटिंग बुला लेते हैं, ठीक है, और डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है, डिसीजन ले लेते हैं। एक्स लिमिटेड वाले को बिना बुलाए, भाई देखो वो चार होना चाहिए, चार की कोरम होना चाहिए तो वो चार आ जाते होंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि मिनिमम कितने डायरेक्टर होना चाहिए मीटिंग में? चार। और चार में से जो मेजोरिटी है वो फैसला ले लेगी। अब आपको बिना आए शॉर्ट नोटिस दिया एक्स लिमिटेड को कि भाई मीटिंग है, अब वो नहीं आ पाया, रिप्रेजेंट नहीं कर पाया, वो चारों आ गए, उन चारों ने आके डिसीजन ले लिया। देख रहे हो ना कि मतलब एक्स को कैसे एक्सक्लूड कर रहे हैं ये। ठीक है, एक्स लिमिटेड हैज रिक्वेस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम वाई लिमिटेड बट दिस इंफॉर्मेशन हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड। एक्स लिमिटेड ने कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मांगा वाई लिमिटेड से लेकिन उसको नहीं दिया गया। एक्स लिमिटेड रिप्रेजेंटेटिव हैज अटेंडेड बोर्ड मीटिंग बट सजेशन फॉर आइटम टू बी इंक्लूडेड ऑन द एजेंडा हैव बीन इग्नोर्ड एंड अदर डायरेक्टर अपोज एनी सजेशन मेड बाय एक्स लिमिटेड। इज वाई लिमिटेड एन एसोसिएट ऑफ एक्स लिमिटेड? बताओ, एक बात बताइए, एक्स लिमिटेड के रिप्रेजेंटेटिव को एक तो बुलाते ही नहीं है, शॉर्ट नोटिस दिया कि भाई आ जाओ, वो नहीं आ पाया, चार लोगों ने मीटिंग की, कोई भी डिसीजन ले लिया। अगर वो आ भी गया तब भी क्या है, मेजोरिटी डिसीजन लेगी। अब मेजोरिटी में उसने एजेंडे पर कोई बात रखी, उसको इग्नोर कर दिया, उसकी सारी रिक्वेस्ट को अपोज कर रहे हैं। तो बताओ 20% शेयर होते हुए भी एक ऐसी कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट बनी हुई है जिसमें एक्स लिमिटेड कुछ नहीं कर पा रहा, जिसमें एक्स लिमिटेड कुछ नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो क्या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है? नहीं। कहां है? आप कोई बात बोलते हो इग्नोर कर दी जाती है, आप कोई इंफॉर्मेशन मांगते हो रिजेक्ट कर दिया जाता है, आपका प्रपोजल कोई भी बात लाते हो बाकी लोग उसका अपोज करने लगते हैं, तो कहां सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है? आप बात रख तो रहे हो लेकिन सुनी नहीं जा रही। आप बात रखो और सुनी भी जाए, उस पर गौर किया जाए, भले मानो ना मानो वो अलग बात है, लेकिन उस पर गौर किया जाए, लोग उससे इन्फ्लुएंस हो, देन इट इज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो देखिए यहां पर सॉल्यूशन में भी यही लिखा हुआ है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट एक्स लिमिटेड ओन 20% ऑफ द वोटिंग राइट एंड हैज रिप्रेजेंटेशन ऑन द बोर्ड। मतलब इसके बावजूद कि 20% वोटिंग राइट है और उसका रिप्रेजेंटेशन है बोर्ड में, द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर शेयर होल्डर होल्डिंग ए सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन ऑफ द वोटिंग राइट प्रिवेंट एक्स लिमिटेड फ्रॉम एक्सर्टिंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। मतलब उसे अपना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस अप्लाई नहीं करने दे रहे हैं, बात करने ही नहीं दे रहे हैं उसको। ठीक है, तो वाइलिस्ट इट अपेयर दैट एक्स लिमिटेड शुड हैव पावर टू पार्टिसिपेट इन द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजन, द अदर शेयर होल्डर प्रिवेंट एक्स लिमिटेड एफर्ट एंड स्टॉप एक्स लिमिटेड फ्रॉम एक्चुअली हैविंग एनी इन्फ्लुएंस। उसको रोक देते हैं कि आपका कोई इन्फ्लुएंस है। ठीक है, इन दिस सिचुएशन वाई लिमिटेड वुड नॉट बी एन एसोसिएट ऑफ एक्स लिमिटेड। क्या है जो है होगा?
आपकी ना कोई बात सुनी जाती है, आपको इग्नोर कर दिया जाता है, आप कोई इन्फॉर्मेशन मांगते हो वो प्रोवाइड नहीं करवाई जाती, तो कहाँ से एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा, बोलो। ठीक है, तो इस सिचुएशन में कुछ नहीं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, बी पॉइंट देखिए सर, रिप्रेजेंटेशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और इक्विवेलेंट गवर्निंग बॉडी ऑफ द यूनिवर्सिटी। ठीक है, इन्वेस्टिंग कोकू लिमिटेड होल्ड 12% ऑफ द वोटिंग शेयर इन बोहू लिमिटेड। कोकू लिमिटेड एक कंपनी है, वो बोहू लिमिटेड में 12% वोटिंग शेयर लेती है। अच्छा ये जो एग्जांपल बेटा मैं आपको करवा रहा हूं, ये कहां से मैंने लिए हैं, ये सब आपके स्टडी मैट से लिए हैं, ये सब आपके स्टडी मैट से लिए हैं मैंने। ठीक है, उसमें है सब, तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। कोकू लिमिटेड होल्ड 12% वोटिंग शेयर इन बोहो लिमिटेड, बोहो लिमिटेड बोर्ड कंप्राइज ऑफ 8 मेंबर एंड 2 ऑफ दीज मेंबर आर अपॉइंटेड बाय कोकू लिमिटेड, ईच बोर्ड मेंबर हैज 1 वोट एट मीटिंग, इज बोहो लिमिटेड एन एसोसिएट ऑफ कोकू लिमिटेड। बेटा मुझे तो लग रहा है इसमें कहीं ऐसा तो लिखा नहीं है कि वो उसको एक्सरसाइज करने नहीं देते, उसकी बात सुनते नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अब देखिए 8 मेंबर हैं जिसमें से 2 डायरेक्टर कोकू लिमिटेड के हैं, तो 8 में से 2 इसका मतलब 25% रिप्रेजेंटेशन आपका है, 25% रिप्रेजेंटेशन है बोर्ड में आपका, जबकि शेयर आपने खरीद रखे हैं सिर्फ 12%। तो जरूर बोर्ड में जो भी ऑपरेटिंग फाइनेंशियल पॉलिसी की डिसीजन मेकिंग होती होगी उसमें आपकी हिस्सेदारी जरूर होगी, आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा, वहां आपकी बात सुनी जाती होगी। भाई 2, 8 में से 2 मायने रखते हैं, 2 लोग जिस तरफ हो गए, ठीक है, तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मुझे लग रहा है पूरा है, रिप्रेजेंटेशन है बोर्ड में आपका। अगर एक ही डायरेक्टर होता तो फिर 12.5% रिप्रेजेंटेशन आपका होता, तो फिर नहीं, लेकिन 2 है, 2 का मतलब 25% रिप्रेजेंटेशन है आपका बोर्ड में। और यह कहीं नहीं लिखा कि आपकी बात नहीं सुनी जाती, आपके बिना डिसीजन ले लिया जाता है, तो आपकी बात सुनी जाती होगी, हम ये मानकर चलेंगे कि आपकी बात सुनी जाती होगी, इट विल बी प्रिज्यूम्ड दैट यू हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो देखिए बोहो लिमिटेड इज एन एसोसिएट ऑफ कोकू लिमिटेड एज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाई प्रेजेंस ऑफ डायरेक्टर ऑन द बोर्ड एंड रिलेटिव वोटिंग राइट एट द मीटिंग। मतलब हमको साफ साफ डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है कि आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, नहीं है तो प्रूव करिए, जबकि शेयर आपके पास सिर्फ 12% है लेकिन बोर्ड में आपका हिस्सेदारी 25% है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। इट इज प्रिज्यूम्ड दैट एंटिटी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वेर इट होल्ड 20% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ द इन्वेस्टी, बट इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव 20% रिप्रेजेंटेशन ऑन द बोर्ड टू डेमोन्स्ट्रेट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एज दिस विल डिपेंड ऑन ऑल द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस। वन बोर्ड मेंबर में रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इवन इफ दैट बोर्ड मेंबर हैज लेस देन 20% ऑफ द वोटिंग पावर, बट फॉर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस टू एग्जिस्ट इट वुड बी नेसेसरी टू शो बेस्ड ऑन स्पेसिफिक फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस दैट दिस इन दिस केस एज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वुड नॉट बी प्रिज्यूम। मतलब जब 2 मेंबर हैं तो आपको देखिए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हो रहा है ऐसा हमको लग रहा है। अब अगर आप नहीं है तो उसको और भी बहुत सारी चीजें हैं जो देखनी पड़ेंगी कि है या नहीं, अभी फिलहाल हमको लग रहा है क्योंकि बोर्ड में रिप्रेजेंटेशन आपका है 25%। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग पार्टिसिपेशन इन डिसीजन अबाउट डिविडेंड और अदर डिस्ट्रीब्यूशन, ये मैंने आपको लिखवाया था तीसरा पॉइंट। एक्स लिमिटेड क्रिएट ए सेपरेट लीगल एंटिटी इन विच इट होल्ड लेस देन 20% ऑफ द वोटिंग इंटरेस्ट, बट हाउ एवर कंट्रोल दैट एंटिटी थ्रू कॉन्ट्रैक्ट दैट इंश्योर दैट डिसीजन मेकिंग पावर एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज लाइज विद एक्स लिमिटेड। इन सच केस द इन्वेस्टर इज एबल टू एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर इन्वेस्टिंग। ये एक एग्जाम्पल है। एक्स लिमिटेड ने एक सेपरेट लीगल एंटिटी बनाई
जिसमें उसका हिस्सा 20% से कम है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कंट्रोल करता है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रॉफिट का वो एक्स लिमिटेड ही करेगा। यानी एक्स लिमिटेड के पास कॉन्ट्रैक्ट ने ये पावर दी है, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो गया होगा एक्स लिमिटेड और बाकी पार्टीज के बीच में कि डिविडेंड का जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये पावर किसके पास होगी, एक्स लिमिटेड के पास होगी, जबकि शेयर उसके पास 20% से कम है, ठीक है। लेकिन डिविडेंड को बांटने की कंट्रोल जो है वो किसके पास है, एक्स लिमिटेड के पास। अब बताइए, जिसके पास डिविडेंड बांटने की पावर है तो क्या वो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस नहीं करेगा डिसीजन को, एंटिटी के ऑपरेटिंग फाइनेंशियल पॉलिसी को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा वो, जिसके पास, अगर मेरे पास किसी कंपनी में कितना डिविडेंड बटेगा, कब बटेगा, ये मेरे पास पावर है, ये मैं डिसाइड करूंगा, तो क्या मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं होगा उस कंपनी की फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसीज पर, होगा, ठीक है, भले ही 20% से ज्यादा शेयर आपने, कम शेयर आपने खरीद रखे, ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, मटेरियल ट्रांजेक्शन बिटवीन द एंटिटी एंड इट्स इन्वेस्टी। अगर मैंने किसी कंपनी में कुछ शेयर खरीद रखे हैं, 5%, 10%, लेकिन मेरा उस एंटिटी के साथ मटेरियल ट्रांजेक्शन होते हैं, मटेरियल मतलब बहुत ज्यादा, बहुत बड़े बड़े ट्रांजेक्शन होते हैं, उसको मटेरियल बोलते हैं, तो क्या होगा, देखो, क्यू लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स शूज फॉर ए लीडिंग रिटेलर पी लिमिटेड। एक रिटेलर है पी लिमिटेड, उसके लिए शूज कौन बनाता है, क्यू लिमिटेड, जूते बनाता है क्यू लिमिटेड। पी लिमिटेड प्रोवाइड्स ऑल डिजाइन फॉर द शूज एंड पार्टिसिपेट इन शेड्यूलिंग, टाइमिंग एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्शन। लो जी, जो जूते बन रहे हैं उसका डिजाइन कहां से आता है, पी लिमिटेड से। शेड्यूलिंग कौन करता है, पी लिमिटेड। क्वांटिटी कौन डिसाइड करता है, पी लिमिटेड। टाइमिंग यानी कब बनेंगे जूते, ये कौन डिसाइड करता है, पी लिमिटेड, ठीक है, सब पी लिमिटेड डिसाइड कर रहा। द मेजोरिटी यानी 90% ऑफ क्यू लिमिटेड सेल आर मेड टू पी लिमिटेड। और ये जो जूते बनते हैं ये 90% कौन खरीदता है, क्यू लिमिटेड से, पी लिमिटेड। यानी मेजर सप्लायर कौन है, पी लिमिटेड। 10% बाकी लोगों को आप बेचते हो पूरे इंडिया को, और पी लिमिटेड 90% आपका माल खरीद लेता है। पी लिमिटेड हैज 10% शेयर होल्डिंग इन क्यू लिमिटेड। इट रिक्वायर दिस इंटरेस्ट मैनी ईयर एगो एट द स्टार्ट ऑफ देयर रिलेशनशिप। डज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट। आपको क्या लगता है, होगा या नहीं होगा। एक तो 10% शेयर खरीद रखा है तो यहां पर भी कुछ ना कुछ वोटिंग पावर होगी। दूसरी बात, जूते कैसे बनेंगे उसका डिजाइन हम देते हैं, कब बनेंगे ये हम बताते हैं, शेड्यूलिंग क्या होगी ये हम बताते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्वांटिटी कितनी बनेगी ये हम बताते हैं, 90% बना हुआ माल हम खरीदते हैं, सब कुछ तो हम कर रहे हैं, क्या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, बिल्कुल है। यानी वो सेल के मामले में पूरी तरीके से हमारे ऊपर डिपेंड है, अगर हम उससे सेल करना छोड़ दें कंपनी खत्म हो जाएगी आज, ठीक है, दूसरे कस्टमर ढूंढोगे टाइम तो लगेगा ना, लेकिन हमारे ऊपर आज की डेट में बहुत जबरदस्त तरीके से डिपेंड है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है यहां पर। देखिए, क्यू लिमिटेड इज हाईली डिपेंडेंट ऑन रिटेलर फॉर कंटिन्यू एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस। डिस्पाइट हैविंग ओनली 10% इंटरेस्ट इन क्यू लिमिटेड, पी लिमिटेड है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। यानी 10% शेयर हैं, 20% से कम है, लेकिन फिर भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करती है पी लिमिटेड, ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, चौथा पॉइंट देखिए। एक्स लिमिटेड ओन 15% ऑफ द वोटिंग राइट ऑफ वाई लिमिटेड। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसका वाई लिमिटेड में 15% हिस्सेदारी है, ठीक है, एंड द रिमाइंडर आर वाइडली डिस्पर्स्ड अमॉन्ग द पब्लिक। और बाकी जो शेयर 85% है वो पब्लिक में फैले हुए हैं, बहुत ज्यादा फैले हुए हैं, किसी के पास 1%, किसी के पास 0.4,
0.5% होगा, किसी के पास 5 शेयर, किसी के पास 10 शेयर, किसी के पास 1000 शेयर, ऐसे फैले हुए हैं, बहुत सारे लोगों के पास फैले हुए हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर किसी के पास पूरा 15% का ब्लॉक है और बाकी शेयर किसी के पास 1000, 500, 200 शेयर ऐसे हैं, तो क्या एक ब्लॉक वाले का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा या नहीं होगा? होगा। और ऊपर से देखिए, एक्स लिमिटेड इज ऑल्सो द ओनली सप्लायर ऑफ क्रूशियल रॉ मटेरियल टू वाई लिमिटेड। फर्दर इट प्रोवाइड सर्टेन एक्सपर्टाइज गाइडेंस रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ वाई लिमिटेड फैक्ट्री, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। आप सोचो 15% शेयर है, 85% वाइडली डिस्पर्स है, मतलब बहुत ज्यादा फैला हुआ है। ठीक, उसके बाद भी एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को मटेरियल सप्लाई करता है, क्रूशियल रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, इंपॉर्टेंट। उसके बाद वाई लिमिटेड की फैक्ट्री की मेंटेनेंस का काम भी कौन देखता है? एक्स लिमिटेड देखता है। तो क्या एक्स लिमिटेड का इन्फ्लुएंस है या नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ठीक है, वाई लिमिटेड इज इफेक्टिवली फंक्शनिंग बिकॉज ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ एक्स लिमिटेड इन द वाई लिमिटेड फैक्ट्री डिस्पाइट हैविंग 15% इंटरेस्ट इन वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड है सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट, बिल्कुल है। फैक्ट्री में काम एक्स लिमिटेड देख रहा है, मटेरियल सप्लाई एक्स लिमिटेड करता है, 15% शेयर खरीद रखे हैं, बाकी 85% में कोई ऐसा नहीं है जिसके पास 5-10% हो, सबके पास वाइडली डिस्पर्स है, किसी के पास 1%, किसी के पास 0.कुछ%, किसी के पास 0.कुछ%, किसी के पास 200 शेयर, तो सबको वाइडली डिस्पर्स है। ठीक, तो यहां पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। अच्छा, इंटरचेंज ऑफ मैनेजरियल पर्सनल, यानी एक कंपनी का मैनेजर या डायरेक्टर दूसरी कंपनी में भी काम करता है, तो यहां पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होने के चांसेस होते हैं, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होने के चांसेस। पढ़िए आप इसको, देखो, एंटिटी एक्स एंड एंटिटी वाई ऑपरेट इन सेम इंडस्ट्री बट इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन। इंडस्ट्री सेम है लेकिन ज्योग्राफिकल रीजन अलग है, जैसे एक दिल्ली में एक मुंबई में, ये समझ लीजिए। ठीक है, एंटिटी एक्स एक्वायर 10% शेयर होल्डिंग इन एंटिटी वाई, 10% शेयर हैं एक्स के वाई, वाई के एक्स के पास, एज ए पार्ट ऑफ स्ट्रेटजिक एग्रीमेंट ए न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस इज की टू सर्व ए फंडामेंटल चेंज इन स्ट्रेटजिक डायरेक्शन ऑफ एंटिटी वाई। A new production process is key to serve a fundamental change in strategic direction of entity Y. ठीक है, मतलब entity Y को सही से अपनी service देने के लिए, फिर से पढ़ लेते हैं, A new production process is key to serve a fundamental change in strategic direction of entity Y. मतलब एक सही स्ट्रेटजिक डायरेक्शन में जाने के लिए वाई लिमिटेड को एक प्रोडक्शन प्रोसेस की जरूरत है। ठीक है, एक प्रोडक्शन प्रोसेस वो बनाना चाहती है वाई लिमिटेड, जो उसके लिए बहुत जरूरी है, उसकी फंडामेंटल चेंज के लिए बहुत जरूरी है। द टर्म ऑफ एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर एंटिटी वाई टू स्टार्ट ए न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस अंडर द सुपरविजन ऑफ टू मैनेजर फ्रॉम एंटिटी एक्स। अच्छा, ये न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस जो बनेगा वो एक्स लिमिटेड के दो डायरेक्टर के सुपरविजन में बनेगा, दो मैनेजर के सुपरविजन में बनेगा, एक्स लिमिटेड के दो मैनेजर के सुपरविजन में बनेगा। ठीक है, द मैनेजर सेकेंडेड फ्रॉम एंटिटी एक्स वन ऑफ होम इज ऑन एंटिटीज एक्स बोर्ड। अच्छा, जो मैनेजर इनकी यहां आएंगे वाई में, जो सुपरवाइज करेंगे इनके प्रोडक्शन प्रोसेस को, उसमें से एक मैनेजर एक्स लिमिटेड के बोर्ड में है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में है। अब बताइए, एक कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपके प्रोडक्शन प्रोसेस को सुपरवाइज कर रहा है। ठीक, सुपरवाइज कर रहा है। आगे, द मैनेज, ये तो हो गया, विल ओवरसी द सिलेक्शन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू स्टाफ एंड द परचेज ऑफ न्यू इक्विपमेंट द ट्रेनिंग ऑफ द वर्कफोर्स एंड द नेगोशिएशन ऑफ न्यू परचेज कॉन्ट्रैक्ट फॉर रॉ मटेरियल। और ये जो मैनेजर है जो एक्स लिमिटेड के बोर्ड में है, ये क्या क्या काम करेगा वाई में आकर? जो नए वर्कर होंगे उसको अपॉइंट करने की जिम्मेदारी उसकी होगी, न्यू इक्विपमेंट खरीदने की जिम्मेदारी उसकी होगी, वर्कफोर्स को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी उसकी होगी,
नेगोशिएशन नई परचेज के लिए करने की जिम्मेदारी उसकी होगी, रॉ मटेरियल कहाँ से लिया जाएगा, कितना लिया जाएगा, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, एक्स की, ठीक है, एक्स का जो मैनेजर है, जो एक्स के बोर्ड में है उसकी। द टू मैनेजर विल रिपोर्ट डायरेक्टली टू एंटिटी वाइज बोर्ड एज वेल एज टू एंटिटीज एक्स एनालाइज। अब बताइए बेटा, एक्स के बोर्ड का आदमी आपकी यहां आकर आपके प्रोडक्शन प्रोसेस को सुपरवाइज कर रहा है, ठीक है, आपका क्या नया इक्विपमेंट खरीदा जाएगा ये वो बताएगा, कौन से वर्कर अपॉइंट होंगे वो बताएगा, ट्रेनिंग वो देगा, रॉ मटेरियल के लिए कॉन्ट्रैक्ट वो करेगा, कॉन्ट्रैक्ट वो करेगा। अब बताइए आप, क्या आपका एक्स लिमिटेड का आपके ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा या नहीं होगा, तो उसके बोर्ड का आदमी आपकी यहाँ काम कर रहा है और ऊपर से कुछ शेयर भी खरीद रखे हैं, 10% शेयर तो है ही, ये तो वोटिंग राइट होगी, ऊपर से ये सब चीजें जो आपका न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस है जो आपके लिए बहुत जरूरी है उसके लिए एक्स के ऊपर आप डिपेंड हो, तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। तो देखिए, द सेकंडमेंट ऑफ बोर्ड मेंबर एंड ए सीनियर मैनेजर फ्रॉम एंटिटी एक्स टू एंटिटी वाई गिव एंटिटी एक्स ए रेंज ऑफ पावर ओवर न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस एंड मे एविडेंस दैट एंटिटी एक्स हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर एंटिटी वाई। दिस असेसमेंट टेक इनटू अकाउंट व्हाट आर द की फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी ऑफ एंटिटी वाई एंड द इन्फ्लुएंस दिस गिव एंटिटी एक्स ओवर दोज पॉलिसी। ठीक है, मतलब ये जब असेसमेंट हम करेंगे कि उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या नहीं है, तो ये भी हम देखेंगे कि भाई एक तो वाई की ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल पॉलिसी क्या है और उस पर क्या एक्स सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करता है या नहीं करता, तो ये असेसमेंट में देखना पड़ेगा। लेकिन हमको देखकर लग रहा है कि एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड के ऊपर सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस रखती है। ठीक है, चलिए आगे है, प्रोविजन फॉर इसेंशियल टेक्निकल इंफॉर्मेशन। कभी कभी टेक्नोलॉजी के लिए एक कंपनी दूसरी कंपनी के ऊपर डिपेंड होती है, तो सोल लिमिटेड हैज 18% इंटरेस्ट इन गॉड लिमिटेड। एक कंपनी है सोल लिमिटेड, उसका 18% शेयर खरीद रखा है उसने गॉड लिमिटेड में। सोल लिमिटेड मैन्युफैक्चर मोबाइल टेलीफोन हैंडसेट यूजिंग टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय गॉड लिमिटेड। अच्छा, जो सोल लिमिटेड है वो मोबाइल हैंडसेट बनाती है और उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो कहाँ से आती है, गॉड लिमिटेड से। गॉड लिमिटेड लाइसेंस द टेक्नोलॉजी टू सोल लिमिटेड एंड अपडेट द लाइसेंस एग्रीमेंट फॉर न्यू टेक्नोलॉजी ऑन ए रेगुलर बेसिस। अच्छा, ये जो लाइसेंस है ये सोल लिमिटेड को गॉड लिमिटेड ने दे रखा है और उसको अपडेट करता रहता है टाइम रेगुलर बेसिस पर। द हैंडसेट आर सोल्ड बाई सोल लिमिटेड एंड रिप्रेजेंट सब्सटेंशली सोल लिमिटेड इंटायर सेल। अच्छा, ये जो हैंडसेट है जो बेचता है सोल लिमिटेड, यही सोल लिमिटेड की मैक्सिमम सेल होती है, मतलब ये उसका मेन बिजनेस है, आप ये समझ लो, तो मेन बिजनेस है ये। अब आप जरा देखिए, शेयर खरीद रखे हैं सोल लिमिटेड ने गॉड लिमिटेड में, शेयर खरीद रखे हैं सोल लिमिटेड ने गॉड लिमिटेड में, लेकिन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस गॉड लिमिटेड का होगा सोल लिमिटेड में। कैसे? क्योंकि सोल लिमिटेड अपने हैंडसेट बनाने में जो टेक्नोलॉजी यूज करती है वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी कहां से आती है, गॉड लिमिटेड से। अगर गॉड लिमिटेड आज टेक्नोलॉजी देना बंद कर देना तो सोल लिमिटेड बंद हो जाएगी, क्योंकि उसका मेजर सेल जो होता है वो इन्हीं हैंडसेट का होता है। तो आप पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी के लिए एक दूसरी कंपनी के ऊपर डिपेंड हो जिसका नाम है गॉड लिमिटेड। तो शेयर सोल लिमिटेड ने खरीदे हैं लेकिन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस किसका होगा, गॉड लिमिटेड का। यहां उल्टा हो गया, देखो यहां उल्टा है, यानी शेयर खरीदने के बावजूद भी आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, जिसमें आपने शेयर खरीदे यानी इन्वेस्टी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन्वेस्टर के ऊपर है। ठीक है, यहां पर देखिए, सोल लिमिटेड इज डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी दैट गॉड लिमिटेड सप्लाई सिंस ए हाई प्रपोर्शन ऑफ सोल लिमिटेड सेल आर बेस्ड ऑन दैट टेक्नोलॉजी। ठीक, देयरफॉर सोल लिमिटेड इज लाइकली टू बी एन एसोसिएट ऑफ गॉड लिमिटेड बिकॉज ऑफ द प्रोविजन ऑफ इसेंशियल टेक्निकल इंफॉर्मेशन। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये हमारे कुछ बातें थी,
इसमें हमने आपको बताया कि नॉर्मली सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कब होता है, जब 20% या उससे ज्यादा शेयर आपके पास हो किसी एंटिटी की, ठीक है बेटा। लेकिन अगर 20% होने के बाद भी आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा ही, ये कोई गारंटी नहीं है, और 20% से कम है तब भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो सकता है, कुछ और फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को भी ध्यान में रखना पड़ेगा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को, मतलब एनालाइज करते टाइम, उसको असेस करते टाइम, क्या आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस किसी एंटिटी में है या नहीं, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए बेटा आगे बढ़े और अब हेडिंग डालेंगे इक्विटी मेथड। इक्विटी मेथड इक्विटी मेथड लिखिए एज पर इंड एस 28 इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग equity method of accounting is applied in case of investment in associates and joint ventures. अगर एक कंपनी ने एसोसिएट में जो इन्वेस्टमेंट खरीद रखे हैं, यानी जो जैसे 20% 30% 40% जो इन्वेस्टमेंट खरीद रखे हैं, उसकी अकाउंटिंग जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी आप या तो कॉस्ट पर करते हो या एज पर इंड एस 109 जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको बताया गया था। लेकिन जब CFS बनाओगे आप तो यहां पर सब्सिडरी की जगह तरह फुल कंसोलिडेशन नहीं होगा। सब्सिडरी में आप क्या करते थे, सब्सिडरी की एसेट को होल्डिंग के साथ ऐड कर लेते थे, सब्सिडरी की लायबिलिटी को होल्डिंग के साथ ऐड कर लेते थे, उसके एक्सपेंसेस उसकी इनकम सब ऐड कर लेते थे। मतलब इन केस ऑफ सब्सिडरी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द अजम्पशन दैट होल्डिंग एंड सब्सिडरी आर ए सिंगल एंटिटी, दोनों एक सिंगल एंटिटी है, तो दोनों की असेट, दोनों की लायबिलिटी, दोनों की इनकम, दोनों की एक्सपेंसेस, कैश फ्लो सब जोड़ दिया करते थे, तो उसको बोलते थे फुल कंसोलिडेशन मेथड। लेकिन जब आप एसोसिएट के साथ मिलकर या ज्वाइंट वेंचर के साथ मिलकर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो आप फुल कंसोलिडेशन मेथड अप्लाई नहीं करते। मतलब एसोसिएट की असेट को अपने साथ नहीं जोड़ोगे, एसोसिएट के इनकम एक्सपेंसेस को अपने साथ नहीं जोड़ोगे, बल्कि इन केस ऑफ एसोसिएट एंड ज्वाइंट वेंचर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाई यूजिंग इक्विटी मेथड। और वो इक्विटी मेथड क्या है, इक्विटी मेथड एक इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालने का एक तरीका है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालने का एक तरीका है। कैसे, आइए एप्लीकेशन ऑफ इक्विटी मेथड, एप्लीकेशन ऑफ इक्विटी मेथड देखिए
अंडर इक्विटी मेथड इनिशियली इन्वेस्टमेंट आर रिकॉग्नाइज्ड एट कॉस्ट बाय कैलकुलेटिंग गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व। यानी इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पर दिखाना है लेकिन गुडविल और कैपिटल रिजर्व को कैलकुलेट करते हुए, बल्कि आप यहां पर लिख सकते हैं बाय आइडेंटिफाइंग। लीजिए मैं ये वर्ड यूज करता हूं, आइडेंटिफाइंग, कैलकुलेटिंग नहीं, बाय आइडेंटिफाइंग गुडविल और कैपिटल रिजर्व। कैसे, आइए जरा मैं बेटा यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे ए लिमिटेड होल्ड 40% शेयर इन बी लिमिटेड विच एक्वायर्ड 8 रुपीज 5 लाख, विच एक्वायर्ड 8 रुपीज 5 लाख, यानी 5 लाख रुपए में आपने इन्वेस्टमेंट खरीदे बी लिमिटेड के, बी लिमिटेड के शेयर खरीदे 40% 5 लाख में। नेट असेट ऑफ बी लिमिटेड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स आर 11 लाख। हाउ इन्वेस्टमेंट्स आर रिकॉर्डेड। ठीक है, 40% शेयर खरीदे हैं तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। इसका मतलब ये जो कहलाएगा, ये कहलाएगा इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स। बेटा कितने के शेयर खरीदे, 5 लाख रुपए के, तो 5 लाख इज कॉस्ट, 5 लाख इज कॉस्ट। तो पहला काम आपका क्या होगा, पहले तो आप गुडविल निकालिए। गुडविल निकालेंगे बट रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे अलग से। यानी गुडविल निकालना है, इस इन्वेस्टमेंट के अंदर कितना गुडविल है ये हम कैलकुलेट जरूर करेंगे बट विल नॉट रिकॉग्नाइज सेपरेटली। ठीक है, तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकाला जाएगा बट इन्वेस्टमेंट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एट कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है, 5 लाख। तो देखो सबसे पहले यहां लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाएगी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फाइव लाख माइनस नेट असेट ऑफ इन्वेस्टी, और आपको कितना माइनस करना है बेटा, 11 लाख रुपए उसकी टोटल नेट असेट है लेकिन आपका हिस्सा कितना है 40%, तो 440 आपको माइनस करना है बेटा। तो बताइए गुडविल या कैपिटल रिजर्व, गुडविल होगा कितने का, 60,000 का। आपने जितना हिस्सा परचेस किया उतना आप माइनस करोगे यहां से। अब देखिए एंट्री क्या बनेगी, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना कॉस्ट पर, मतलब एंट्री बनेगी कॉस्ट पर। यहां लिखोगे बीइंग इन्वेस्टमेंट आर रिकॉग्नाइज्ड एट कॉस्ट
आइडेंटिफाइंग गुडविल रुपीज 60,000, यानी गुडविल को अलग से रिकॉग्नाइज नहीं करना, गुडविल इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो अलग से रिकॉग्नाइज नहीं करना गुडविल को। सर जब इसको अलग से रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो इसको इंपेयरमेंट के लिए भी टेस्ट नहीं करेंगे? नहीं, जब आपने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया तो इंपेयरमेंट के लिए कहां से टेस्ट करोगे? जैसे इंडियाज 110 वाली गुडविल को इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट किया जाता है, इसको नहीं करेंगे, ठीक है, बिकॉज दिस इज नॉट सेपरेटली रिकॉग्नाइज। 60,000 का गुडविल है हमको पता है, बट इन्वेस्टमेंट आर रिकॉर्डेड इनिशियली एट कॉस्ट। सीधे सीधे शब्दों में बोलूं तो इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एंड ज्वाइंट वेंचर विल बी एट कॉस्ट बाई आइडेंटिफाइंग गुडविल एंड कैपिटल वर्थ। ठीक, ये एंट्री तो है जब आपने जिस दिन एक्वायर किया होगा उस दिन। अब पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस क्या होंगे? पोस्ट एक्विजिशन देखिए, कंट्रोल तो है नहीं, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, कंट्रोल नहीं है। तो इक्विटी मेथड ये कहता है आप जब होल्डर जो एसोसिएट है जब वो डिविडेंड बांटेगा तो इन्वेस्टर को भी डिविडेंड मिलेगा। बोलो हाँ, इन्वेस्टर को भी डिविडेंड मिलेगा। भाई मान लीजिए अगर बी लिमिटेड ने कल को डिविडेंड बांटा 1,00,000 रुपए का, ठीक है, या एक साल के बाद डिविडेंड बांटा, 2 साल बाद डिविडेंड बांटा, तो 40% उसमें से किसको मिलेगा? ए लिमिटेड को। तो ए लिमिटेड की जो इनकम है वो 40% होगी डिविडेंड इनकम। इक्विटी मेथड ये कहता है देखो भैया ये नॉर्मल इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहां पर जो इन्वेस्टमेंट है दैट गिव्स सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस टू ए लिमिटेड, ए लिमिटेड कैन एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सो डिविडेंड इनकम को रिकॉग्नाइज करने से सही पिक्चर नहीं दिखेगी, यानी आपका उस कंपनी में छोटे मोटे शेयर होल्डर नहीं हो आप, आपका एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। तो उस वो कंपनी यानी आपका एसोसिएट क्या कमाता है वो हम टोटल बेसिस पर डिसाइड करेंगे, टोटल वैल्यू को कंसिडर करेंगे, आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालते जाएंगे, ठीक है। तो इक्विटी मेथड के हिसाब से जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कमाएगा एसोसिएट उसमें जितना हिस्सा होल्डिंग इसका पेरेंट का होगा, मतलब इन्वेस्टर का होगा वो इसके इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दिया जाएगा। मान लीजिए 1,00,000 रुपए कमाए एसोसिएट ने तो उसका 40% 40,000 इसके इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दिया जाएगा। दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? उसका दूसरा इफेक्ट कंसोलिडेटेड पीएनएल में जाएगा। मतलब जब भी सब्सिडरी जो एसोसिएट है वो प्रॉफिट कमाएगा तो उसका 40% हमारा हिस्सा है, हम उस 40% पूरे के पूरे को उसमें बांटा कितना वो नहीं, पूरा का पूरा 40% हम उठाकर अपने पीएनएल में ऐड कर लेंगे और इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देंगे। सर और किसी चीज से? हाँ, ओसीआई अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। अगर एसोसिएट की अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में कोई चेंज होता है तो उसमें जितना चेंज हुआ यानी उसमें जो इंक्रीज डिक्रीज जो भी हुआ होगा उससे भी हम अपनी अदर कंप्रिहेंसिव इनकम को बढ़ाएंगे और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे, या अदर कंप्रिहेंसिव इनकम को घटाएंगे और अपने इन्वेस्टमेंट को घटाएंगे। अगर अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में इंक्रीमेंट हुआ होगा तो जितना इंक्रीमेंट हुआ एक्विजिशन के बाद उसका 40% हम अपनी अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में ऐड कर लेंगे और इन्वेस्टमेंट में भी ऐड कर लेंगे। अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में क्या जाता है? भाई रिवैल्यूएशन कोई प्रॉफिट होगा वो जाएगा, ठीक है, कोई फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन रिजर्व में जो ट्रांसफर करते हो वो होगा, इसके अलावा एक्चुअरियल गेन लॉस हो सकता है, जो भी रिवैल्यूएशन वाले प्रॉफिट लॉस होते हैं वो जाते हैं उसमें, ठीक। इसके अलावा जो इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन होते हैं, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को गुड्स बेचा, सेल करा, असेट बेचा, कोई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का पॉइंट हो सकता है, तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जितना हिस्सा एसोसिएट में हमारा है तो उतना अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हम इन्वेस्टमेंट से हटाएंगे और अपने पीएनएल से हटाएंगे, ठीक है। कोई सेविंग इन डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन का पॉइंट हो सकता है कि जैसे एसोसिएट ने
रिवैल्यूएशन किया अपनी असेट का, तो डेप्रिसिएशन में इंक्रीमेंट होगा, या डिक्रीज रिवैल्यूएशन हुआ तो सेविंग इन डेप्रिसिएशन हो सकता है। तो एसोसिएट का जितना हिस्सा बन रहा है वो हम इसे इन्वेस्टमेंट में और कंसोलिडेटेड पीएनएल में अपने एडजस्ट करेंगे। तो ये कुछ पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस हैं जो हमको करनी पड़ती हैं। तो इक्विटी मेथड क्या है? इक्विटी मेथड ये है कि सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को रिकॉग्नाइज किया जाता है एट कॉस्ट, उसके बाद पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस क्या होती हैं, एनी चेंज इन नेट असेट ऑफ इन्वेस्टी विल बी एडजस्टेड इन इन्वेस्टमेंट ऑफ इन्वेस्टर। ठीक है, उसकी नेट असेट बढ़ेगी तो हमारे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेंगे, उसकी नेट असेट घटेगी तो हमारे इन्वेस्टमेंट भी घटेंगे। ठीक है, तो कुछ चेंजेस होती हैं, क्या चेंजेस होंगी आइए जरा। तो एक तो ये है, इनिशियली इन्वेस्टमेंट आर रिकॉग्नाइज्ड एट कॉस्ट बाय आइडेंटिफाइंग गुडविल और कैपिटल रिजर्व। उसके बाद पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस, ठीक है, इन्वेस्टर विल ऐड इट्स शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन इन्वेस्टी और शेयर इन अदर कंप्रिहेंसिव इनकम अदर कंप्रिहेंसिव इनकम जिसको हम OCI बोलते हैं, ठीक है, इन इन्वेस्टमेंट और इन कंसोलिडेटेड पीएनएल, वो नहीं, एंड इन कंसोलिडेटेड पीएनएल एंड कंसोलिडेटेड OCI। कंसोलिडेटेड OCI, ठीक है जी। तो इन्वेस्टर विल एड इट्स शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन इन्वेस्टी और शेयर इन अदर कंप्रिहेंसिव इनकम इन इन्वेस्टमेंट एंड इन कंसोलिडेटेड पीएनएल एंड कंसोलिडेटेड OCI। मतलब जो इन्वेस्टी प्रॉफिट कमाएगा, पोस्ट एक्विजिशन जो प्रॉफिट कमाएगा, उसका 40% अगर मैंने शेयर खरीद रखे हैं तो 40% मैं उसका कैलकुलेट करूंगा, अपने कंसोलिडेटेड पीएनएल में ऐड कर दूंगा और इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दूंगा। ठीक है, OCI में जो इंक्रीमेंट हुआ होगा तो उसका 40% अपनी OCI में ऐड कर लूंगा लाकर और इन्वेस्टमेंट में ऐड कर लूंगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अदर कंप्रिहेंसिव इनकम और प्रॉफिट, जो भी इंक्रीमेंट हुआ होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में, वो हम एडजस्ट करेंगे अपने पीएनएल और अपनी अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में और इन्वेस्टमेंट में ऐड करेंगे साथ के साथ, अपना हिस्सा जो हमारा हिस्सा होगा। अच्छा, आगे लिखेंगे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एसोसिएट will be deducted from consolidated PNL and from investment। सर ये क्या मतलब हुआ? डिविडेंड मिला उसको घटाएंगे? हाँ, क्यों बेटा? आपने उसका पूरा पूरा प्रॉफिट ऐड कर रखा है ना, उसने 1,00,000 रुपए कमाए, आपने क्या करा, उसका 40% निकाला और अपने पीएनएल में ऐड कर लिया और इन्वेस्टमेंट में ऐड कर लिया। अब उसी प्रॉफिट में से तो डिविडेंड बांटेगी एसोसिएट,
अब उस प्रॉफिट में से उसने 20,000 का डिविडेंड बांटा, उसका 8,000 आपको मिला होगा बेटा। तो 8,000 जो आपको मिला था, ये 8,000 आप ऑलरेडी कहाँ ऐड कर चुके हो, अपने कंसोलिडेटेड पीएनएल में और इन्वेस्टमेंट में, तो वहां से हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। कंसोलिडेटेड पीएनएल से भी हटा दो, उसमें ऑलरेडी ये 8,000 इंक्लूड होंगे, क्योंकि आपने जो 40,000 ऐड करे थे उसमें ये 8,000 का डिविडेंड भी इंक्लूड था, आपने टोटल प्रॉफिट जो उसने अर्न किया था वो ऐड कर लिया था, आप उसमें से जो डिविडेंड बटेगा वो आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड पीएनएल से माइनस करो और इन्वेस्टमेंट से माइनस कर दो। तो डिविडेंड आप समझ लीजिए, कभी भी एसोसिएट अगर डिविडेंड बांटेगा तो वो डिविडेंड माइनस होगा इन्वेस्टर के कंसोलिडेटेड पीएनएल से और इन्वेस्टमेंट से। ठीक है जी, ठीक है। एक क्वेश्चन दिखाएं आपको। हाँ सर, क्वेश्चन दिखाइए। देखो जी, एक क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अमर लिमिटेड एक्वायर 40% शेयर ऑफ राम लिमिटेड ऑन 1st अप्रैल 2000 X1। द प्राइस पेड इज ₹10,00,000, यानी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 10,00,000। राम लिमिटेड हैज रिपोर्टेड ए प्रॉफिट ऑफ 2,00,000 एंड पेड डिविडेंड ऑफ ₹1,00,000। कैलकुलेट कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज पर इक्विटी मेथड। इन्वेस्टमेंट का कैरिंग अमाउंट आपको निकालना है एज पर इक्विटी मेथड। ठीक है, आइए निकाल देते हैं। पहले देखिए, आपने 40% शेयर खरीद रखे हैं 10,00,000 में। तो क्वेश्चन नंबर 1, स्टेटमेंट शोइंग कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कौन सी कंपनी का नाम क्या है, राम लिमिटेड। राम लिमिटेड में आपने शेयर खरीद रखे एज पर इक्विटी मेथड, एज पर इक्विटी मेथड यानी इंडियस 28 लगेगा इस पर। सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, दस लाख। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 10,00,000 प्लस शेयर इन प्रॉफिट ऑफ राम लिमिटेड। कितना बेटा प्रॉफिट उन्होंने कमाया? 2,00,000। इसका 40% आपको मिलेगा, तो कितना हो गया? 80,000। उसने जो डिविडेंड बांटा 1,00,000 का, उसमें से 40% डिविडेंड आपको मिलेगा, तो वो आप माइनस कर दोगे। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड, एक लाख का डिविडेंड बांटा, उसमें से 40% आपका हिस्सा है, ठीक है 40,000। और ये जो निकल कर आएगा, दिस विल बी 40,000। ये हो जाएगा 10,40,000। बोल, ठीक है। अच्छा लो बेटा, दो देखो, आराम से देखो, जल्दबाजी नहीं है कोई। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की बात करूंगा मैं अब।
आइए, सम इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट एज पर इक्विटी मेथड। इक्विटी मेथड में कुछ और भी चीजें, बस यही इक्विटी मेथड है जी बेटा, यही इक्विटी मेथड है, कुछ नहीं है उसमें, बच्चों वाला मेथड है। पहला पॉइंट लिखेंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ऑन सेल ऑब्लिक परचेज मेड बिटवीन इन्वेस्टर एंड एसोसिएट। इन्वेस्टर एंड एसोसिएट, ठीक है। तो यहां लिखेंगे सबसे पहले कैलकुलेट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अच्छा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आपको पता ही है क्या होता है, कि इन्वेस्टर ने एसोसिएट को मान लीजिए गुड्स बेचा, वो गुड्स एसोसिएट के स्टॉक में रखा हुआ है, तो उसमें कुछ ऐसा प्रॉफिट है जो इन्वेस्टर ने कमाया था लेकिन अभी रियलाइज नहीं हुआ है, उसी को अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बोलते हैं। तो कैलकुलेट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इंक्लूडेड इन असेट ऑब्लिक गुड्स यानी स्टॉक, ठीक है। दूसरा, कैलकुलेट शेयर ऑफ इन्वेस्टर और देन शेयर ऑफ इन्वेस्टर इन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अच्छा, यूपी मैंने लिख दिया बेटा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इज डिडक्टेड फ्रॉम सीपीएल यानी कंसोलिडेटेड पीएनएल एंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये ट्रीटमेंट होगा, यानी पहले अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालिए। जैसे मान लीजिए जो स्टॉक है उसमें 20% अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, तो स्टॉक अगर 10,000 का है उसमें 20% अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है तो 2,000 का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हो गया। 40% शेयर इन्वेस्टर ने खरीद रखे हैं तो 2,000 का 40% 800 रुपये प्रॉफिट होगा विच बिलोंग टू इन्वेस्टर, और उस 800 रुपये को इन्वेस्टमेंट की वैल्यू से माइनस करना है और कंसोलिडेटेड पीएनएल से माइनस कर देना है, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, सेकेंड पॉइंट, एडिशनल ऑब्लिग सेविंग इन डेप्रिसिएशन। विल ऑल्सो बी एडजस्टेड इन सीपीएल एंड इन्वेस्टमेंट। अच्छा, जब प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन पर तो एडिशनल डेप्रिसिएशन होगा, ठीक है, और जब लॉस होगा रिवैल्यूएशन पर तो सेविंग होगा, लेकिन आपको जो एडजस्ट करना है इन्वेस्टमेंट में और सीपीएल में वो सिर्फ और सिर्फ जो इन्वेस्टर है उसका शेयर। जैसे मान लीजिए एडिशनल डेप्रिसिएशन है 10,000 और इन्वेस्टर का शेयर है 40%, तो बेटा 4,000 आपको सीपीएल से माइनस करना पड़ेगा, 4,000 इन्वेस्टमेंट से, अगर सेविंग है तो वो ऐड करना पड़ेगा दोनों जगह, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ इन्वेस्टर शेयर।
ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ इन्वेस्टर्स शेयर। आइए जरा एक क्वेश्चन बेटा इसी बात पर जरा हम लोग करेंगे। देखिए जरा एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, बी लिमिटेड एक्वायर्ड 30% इंटरेस्ट इन डी लिमिटेड एंड अचीव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। ठीक है, बहुत बढ़िया। द कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट वॉज 2,50,000। वेरी गुड, 2,50,000 कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट थी। इसी पर ही हम रिकॉग्नाइज करेंगे इन्वेस्टमेंट को बाय आइडेंटिफाइंग गुडविल और कैपिटल रिजर्व। ठीक है, द एसोसिएट हैज नेट असेट ऑफ 5,00,000 एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। ओके, तो हम गुडविल निकाल सकते हैं क्या? हाँ सर, क्यों नहीं निकाल सकते? ये देखो, 2,50,000। द फेयर वैल्यू ऑफ दोज नेट असेट इज 6,00,000 एज फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज ₹1,00,000 हायर देन इट्स बुक वैल्यू। अच्छा, ओहो बेटा, तो आपको नेट असेट ये वाली कंसिडर करनी है, 6,00,000 जो फेयर वैल्यू है आपकी नेट असेट की उसको कंसिडर करनी है। ये बुक वैल्यू थी तो बुक वैल्यू नहीं, फेयर वैल्यू, और ये रिवैल्यूएशन हुआ है 1,00,000 का। ठीक है, तो ये ओसीआई में भेजा जाएगा। ओसीआई में कौन भेजेगा इसको? एसोसिएट। तो एसोसिएट के ओसीआई में जो चेंजेस होंगे वो हमारे ओसीआई में भी हमको करना पड़ेगा बाद में जाकर। तो कोई नहीं, अभी देखते हैं पहले। तो यहां पर देखिए, माइनस 6,00,000 का 30%, तो 2,50,000 में से 180 6 18 180 माइनस करेंगे तो गुडविल हो जाएगा बेटा 170,000। एंड इस गुडविल को आइडेंटिफाई आपको करना है लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं करना। ठीक है, रिकॉग्नाइज नहीं करना। अच्छा, दिस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हैज ए रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years। ओके, 10 साल इसकी लाइफ है। इसका मतलब अगर बुक वैल्यू के हिसाब से बेटा डेप्रिसिएशन लगाते तो 50,000 लगता, फेयर वैल्यू के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाओगे तो बेटा 60,000 लगेगा। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना होगा? 10,000। इन्वेस्टर का शेयर कितना होगा? 30%। तो बेटा 3,000 का एडिशनल डेप्रिसिएशन भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 1,00,000 रुपए का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है जो एसोसिएट के ओसीआई में गया होगा, उस ओसीआई का 30% हमको भी लेना है। तो हम 30% अपनी ओसीआई में ऐड करेंगे और 30% अपने इन्वेस्टमेंट में ऐड करेंगे। तो ये 1,00,000 का जो प्रॉफिट हुआ होगा रिवैल्यूएशन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर एक्विजिशन डिलिमिटेड रिकॉग्नाइज्ड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,00,000। अच्छा, यानी एसोसिएट ने 1,00,000 का प्रॉफिट कमाया एंड पेड ए डिविडेंड आउट ऑफ दिस प्रॉफिट 9,000, डिविडेंड बांटा 9,000। डी लिमिटेड हैज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज लॉस ऑफ 20,000 डायरेक्टली इन अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। ओहो, 2,000 का लॉस है बेटा। लॉस क्या है? अदर कंप्रिहेंसिव इनकम से भी माइनस करना है और अपने इन्वेस्टमेंट में से भी माइनस करना है। ठीक है, ठीक है। कैलकुलेट बी लिमिटेड इंटरेस्ट इन डी लिमिटेड एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड में आपको बताना पड़ेगा डी लिमिटेड का कितना इंटरेस्ट है। ठीक है, मैं अपनी बुक अपनी यहां देख लेता हूं जो मेरे सामने रखी हुई है, आप जो है अपनी बुक में देखिए। क्वेश्चन नंबर है 3, लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स एज पर इक्विटी मेथड। ठीक है, एज पर इक्विटी मेथड। सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट।
ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे गुडविल रुपीज 70,000 और कॉस्ट है 2,50,000। ये गुडविल कैसे निकलेगा? गुडविल इज इक्वल टू, ब्रैकेट में यहां लिख देता हूं बेटा, 2,50,000 माइनस 6,00,000 का 30%, जो नेट असेट थी उसका 30% आपको माइनस करना है, तो ये गुडविल आ गया। अच्छा, प्लस क्या है? शेयर इन ओसीआई, ओसीआई में एक तो शेयर इन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, बेटा 1,00,000 का 30%, 30,000। अच्छा, शेयर इन एक्सचेंज लॉस, एक्सचेंज लॉस भी कहां जाएगा? ओसीआई में ही जाता है, तो ये हुआ है 20,000, 20,000 का 30%, 6,000, ये माइनस होगा क्योंकि ये लॉस है, तो ये माइनस होगा। प्रॉफिट होता एक्सचेंज प्रॉफिट तो ऐड कर देते, कोई एक्चुअरियल गेन होता ऐड कर देते, एक्चुअरियल लॉस होता तो माइनस करते। अच्छा, उसके बाद शेयर इन प्रॉफिट, अच्छा एडिशनल डेप्रिसिएशन भी है ना, एडिशनल डेप्रिसिएशन भी बेटा जरा एडजस्ट कर लीजिए, 10,000 का एडिशनल डेप्रिसिएशन होगा इनटू 30%, तो ये होगा 3,000। सर 10,000 कैसे होगा बेटा? 1,00,000 डिवाइडेड बाई 10 करो, 1,00,000 से असेट की वैल्यू को बढ़ाया, असेट की यूजफुल लाइफ कितनी है? 10 साल, तो 10,000 से डेप्रिसिएशन भी बढ़ेगा, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन होगा 10,000, उसका 30% आपके इन्वेस्टमेंट से माइनस होगा, आपके सीपीएल से माइनस होगा, यानी ओसीआई से या सीपीए से। ठीक है, फिर प्लस शेयर इन प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट कितना? 1,00,000 इंटू 10%, 30%, सॉरी ऐड होगा, और माइनस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड 9,000 का 30%, 2,700, ये माइनस हो जाएगा, बस यही है जी, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होगा एक बार निकाल लीजिए, आप लोग निकाल कर बताइए। 2,50,000 प्लस 30,000 माइनस 6,000 माइनस 3,000 प्लस 30,000 1 मिनट, प्रॉफिट कितना था? आइए एक क्वेश्चन जरा आपको करवाते हैं, आइए जरा एक क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से जरा देखिए। बी लिमिटेड एक्वायर्ड ए 30% इंटरेस्ट इन डी लिमिटेड एंड अचीव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, ओके सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्वायर कर लिया, द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज 2,50,000, आपने 2,50,000 रुपए में ये इन्वेस्टमेंट खरीदे, द एसोसिएट हैज नेट असेट 5,00,000 एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है एक्विजिशन की डेट पर जो एसोसिएट का नेट असेट था वो 5,00,000 था, द फेयर वैल्यू ऑफ दी
द फेयर वैल्यू ऑफ दोज नेट असेट इज 6 लाख एज द फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज 1 लाख हायर देन इट्स बुक वैल्यू। अच्छा देखिए 5 लाख थी वैसे नेट असेट, लेकिन चूंकि प्लांट मशीनरी में यानी पीपीई प्लांट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में 1 लाख रुपए के इंक्रीमेंट होने की वजह से इनका जो नेट असेट था वो 6 लाख हो गया। तो आज की डेट में हम नेट असेट 6 लाख ही मानेंगे। तो आपने 2.5 लाख में खरीदा, अगर मुझे गुडविल निकालना हो तो बेटा देखो गुडविल इज इक्वल टू 2.5 लाख में मैंने खरीदा माइनस मेरा नेट असेट कितना होगा 6 लाख का 30% मुझे नेट असेट मिला। तो आप मेरे को बता सकते हो 1.80 का मेरा नेट असेट हुआ, मैंने पैसे पे किए 2.5 लाख, तो 70,000 रुपये का गुडविल हो गया जो मुझे आइडेंटिफाई तो करना है बट रिकॉग्नाइज नहीं करना सेपरेट। ठीक है ठीक है। द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हैज ए रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 10 ईयर। अच्छा 10 साल इनकी प्लांट एंड मशीनरी की यूजफुल लाइफ है। अब आप ये देखो जरा बेटा 6 लाख रुपए का प्लांट एंड मशीनरी हुआ है जबकि पहले 5 लाख का था, तो कितने लाख का बड़ा है 1 लाख। तो जानते हो 10 साल अगर यूजफुल लाइफ है तो 10,000 का एडिशनल डेप्रिसिएशन होगा। ये यूजफुल लाइफ बताने का इसका मकसद क्या है कि जब असेट की वैल्यू में रिवैल्यूएशन होता है तो बेटा एडिशनल डेप्रिसिएशन का पॉइंट आता है। तो फेयर वैल्यू जब कभी भी चेंज होगा फेयर वैल्यू में, असेट की फेयर वैल्यू में जब चेंज होगा तो एडिशनल डेप्रिसिएशन या सेविंग इन डेप्रिसिएशन होगा, तो उसको भी आपको इन्वेस्टमेंट के कैरिंग अमाउंट में एडजस्ट करना पड़ता है टू द एक्सटेंट इन्वेस्टर शेयर। तो इसमें 30% शेयर है तो 10,000 का एडिशनल डेप्रिसिएशन है, उसका 30% कितना हो जाएगा 3,000। तो 3,000 रुपये एक तो जो CPL है उसमें से घटाओगे ही और इधर इन्वेस्टमेंट से घटाना पड़ेगा 3,000 रुपये। ठीक है। प्रॉफिट कमाया डी लिमिटेड ने 1 लाख और डिविडेंड बांटा 9,000। एक एक्सचेंज लॉस भी था जो OCI में इन्होंने कर रखा है 20,000, तो ये भी एडजस्ट करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट में और OCI में जाएगा, दूसरा इसका इफेक्ट होगा OCI में। कैलकुलेट बी लिमिटेड इंटरेस्ट इन डी लिमिटेड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो इन्वेस्टमेंट का कैरिंग अमाउंट निकालना है आपको। आइए जरा कैरिंग अमाउंट क्वेश्चन नंबर 3 है। स्टेटमेंट शोइंग कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज पर इक्विटी मेथड। सबसे पहले लिखेंगे बेटा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये है 2,50,000। यहां पर लिखेंगे आइडेंटिफाइंग गुडविल, ₹70,000। कैसे 2.5 लाख माइनस 6 लाख का 30%। ठीक है, तो 70,000 का गुडविल आया जो 2.5 लाख रुपए में इंक्लूड है, आपको अलग से नहीं दिखाना, गुडविल को सेपरेटली रिकॉग्नाइज नहीं करना। ठीक है। अच्छा उसके बाद प्लस शेयर इन प्रॉफिट, आपने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया है ना, उसका 30%, 30,000 माइनस डिविडेंड, 9,000 का डिविडेंड बांटा गया है उसमें 30%, 2,700। अच्छा माइनस शेयर इन एक्सचेंज लॉस जो OCI में एसोसिएट ने कर रखा था, तो आप अपनी OCI में भी से माइनस करोगे इसको, एक्सचेंज लॉस तो
20,000 एक्सचेंज लॉस है, उसमें 30% आपका हिस्सा है 6,000, और माइनस एडिशनल डेप्रिसिएशन। और ध्यान रखना बेटा, एडिशनल डेप्रिसिएशन में सिर्फ आपका हिस्सा 10,000 इंटू 30% 3,000, और ये जो निकल कर आएगा दिस विल बी कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालिए कितना होगा, 2,50,000 प्लस 30,000 माइनस 2,700 माइनस 6,000 माइनस 3,000, ये हो गया 268,300। दिस इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज पर इक्विटी मेथड। ठीक है बेटे। अच्छा सर, क्या इक्विटी मेथड से हमको एग्जम्पशन मिल सकती है? मिल सकती है। कब? इंड एस 110 में जिन सिचुएशन में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की आपको एग्जम्पशन मिलती है, समझ लीजिए तब इक्विटी मेथड की भी एग्जम्पशन मिलती है। इफ कंपनी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रिपेयरिंग CFS एज पर इंड एस 110, देन इट इज ऑल्सो एग्जेम्प्टेड बाय अप्लाइंग इक्विटी मेथड। तो किन किन सिचुएशन में एग्जेम्प्शन होती है, तो रेफर इंड एस 110। अगर आप CFS नहीं बनाओगे इंड एस 110 के हिसाब से, आपको एग्जेम्प्शन है, तो आप इक्विटी मेथड की भी एग्जेम्प्शन है आपको। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में exemption from equity method। exemption from equity method, if an entity is exempted for CFS as per Ind AS 110, then such entity या आप ऐसे बोल सकते हो, in the same situation an entity is exempted from applying equity method। यानी जिन सिचुएशन में CFS बनाने की एग्जम्पशन होती है इंड एस 110 के हिसाब से, उन्हीं सिचुएशन में इक्विटी मेथड को अप्लाई करने की एग्जम्पशन होती है इंड एस 28 के हिसाब से। फॉर एग्जम्पशन रेफर इंड एस 110 जो आप पढ़ चुके हो। ठीक है, जो आप पढ़ चुके हो, तो इंड एस 110 के पेज पलटो और देखो किन किन सिचुएशन में आपको CFS नहीं बनाना, उन्हीं सिचुएशन में आपको इंड एस 28 को अप्लाई नहीं करना इक्विटी मेथड को। अच्छा, उसके बाद लिखेंगे डिसकंटिन्यूएंस फ्रॉम इक्विटी मेथड। Discontinuance from equity method लिखिए, when an entity
loses its significant influence. Then it will discontinue equity method. ठीक है, इट विल डिसकंटिन्यू इक्विटी. चलिए यहीं पर आज खत्म करते हैं. ये आपका इंडियस 28 था जो फिनिश हो गया. बाय.